इसमें डेटा कितना इम्पोर्टेंट होता है? आपको नेशन के लिए वोट करना है बेसिकली। ऐसा कहा जाता है कि 2014 में हमने पीएमटीवी से चुना था, वन नेशन वन इलेक्शन। व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ इट इम्पैक्ट टू द कमिंग इलेक्शंस? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब जनरल इलेक्शन प्लस एवरी स्टेट इलेक्शन। Hi Atin. Hi. How are you? I'm fine. What about you? I'm really good. I would like you to start first. मैं आप कहाँ से belong करते हो, है ना? And academic and okay. So मैं मुंबई से हूँ basically. मैंने मेरे studies मुंबई से complete की है. I have done my engineering in IT from Mumbai only. और अभी मैं masters कर रहा हूँ in political science, MA part 2 from Mumbai University only. Okay. अभी मैं ये मास्टर्स इसलिए कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल मैंने कर लिया है। अच्छा, पॉलिटिक्स में अब मुझे थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए। सो आई हैव वन सब्जेक्ट जिसमें मुझे पीएचडी करना है, तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। इट्स पार्ट ऑफ द यू कैन से करियर आल्सो। अच्छा, कि करियर में ग्रोथ करने के लिए, बिगर प्रोजेक्ट्स के लिए आपके पास उतना नॉलेज होना जरूरी है, और वो नॉलेज स्टडी से ही आता है। ऑफ कोर्स। सो स्टार्ट मैंने ये लेट 2016 में किया था, नवंबर के आसपास। ओके। okay. उसके पहले मैं सोशली एक्टिव था, 2012 से मैं सोशली एक्टिव हूँ। मैंने बड़े भैया के साथ एनजीओ स्टार्ट किया था नवंबर में 2012 में, तो जोश था, उम्र कम थी, करना है कुछ। तब बाला साहब ठाकरे की डेथ हो गई थी, तो न्यूज़ देख के मैं बहुत डिस्टर्ब रहता था, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। करेक्ट। तो ऐसे एनजीओ स्टार्ट कर दिया, और फिर हम यूं ही यूथ को मोबिलाइज करने लगे। एनजीओ में क्या? एनजीओ हमने कम्युनिटी बेस्ड था, तो हमने हमारे कम्युनिटी को पहले टारगेट किया। वो भी फादर ने कहा कि देश साफ करने निकल रहे हो तो पहले घर की सफाई करो। हाँ, करें। तो घर में मदद करो लोगों की। तो घर उनका मतलब था कि कम्युनिटी में थोड़ा सा पहले अपने आप को ट्राई करो। तो फिर हम वेरियस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने लगे, सोशल अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए। फिर 2016 तक आते आते मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ से मैं वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, और एक मिडिल क्लास फैमिली के होने की वजह से फैमिली आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मुझे ये समझ आ चुका था कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करना था, और ये सोशल लाइफ को भी बैलेंस करना। तो ऐसे एक दिन बैठा था, तो मैंने अब जैसे कहा कि इंडिया में ये जो फील्ड है इसको ओपन थी पहले, लेकिन ये इतना इसका नाम नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। ये फील्ड को इंडिया में एक प्रकार से रिजुनोवेट करने वाले व्यक्ति, फिर से जिंदा, मतलब एक उसका असली मुकाम देने वाले व्यक्ति है प्रशांत किशोर जी। तो प्रशांत किशोर जी का नाम मैंने पहली बार सुना था कि उन्होंने 2014 में मोदी जी का कैंपेन किया था, हेड किया था। यस यस। तो मुझे लगा कि ये प्रोफाइल तो बहुत ही यूनिक है, ये करना चाहिए। तो बस सोचा था, लेकिन फिर जैसे ही ऐसे ही 2016 में घर पे बैठा था, न्यूज़ देख रहा था, तो एमसीजी में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे मुंबई के, टीएमसी के कॉर्पोरेशन के। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। अच्छा। ये लेवल पे ट्राई करते हैं। फिर मैंने लेटर्स प्रिंट किए, लेटर्स भेजे लोगों को, कैंडिडेट्स को, नगर सेवक लोगों को, कॉर्पोरेटर्स को। फिर मुझे कॉल्स आने लगे, मैंने मीटिंग्स अटेंड की, फिर मैंने डील्स भी क्रैक की। वेरी नाइस। सबसे पहला काम मुझे सर्वे का मिला था, और अच्छा। वो जो सर्वे मैंने कंडक्ट किया था गोरेगांव में किया था, वो रिपोर्ट वैसा ही रिजल्ट निकला। ओ, मतलब 100% रिजल्ट। हाँ, पहला ही काम मेरा सक्सेसफुल सक्सेस था, कि मैंने उनको कहा था कि इतने इतने वोट्स है। किन के लिए किया था? मैंने वो शिवसेना के लिए किया था तभी। अच्छा। तो मैंने उनको 5000 वोट दे दिए थे वो वार्ड से, तो उनकी पार्टी में हुआ स्प्लिट, तो दोनों के मिला के 5000 वोट ही थे। ओके। जो सर्वे मेरा काउंट प्रॉपर था। ओके। मेरा काउंट प्रॉपर था, और मैंने उनको एक लास्ट में एक नोट भी लिखा था कि देयर इज समथिंग जो आपके वार्ड में है, ये बेल्ट में है, वहां पे रेबेल हो सकता है, और वो हुआ। करेक्ट। सर्वे जो है मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। थोड़ा सा इफ यू से समथिंग अबाउट इट, देन वी कैन कंटिन्यू और मार्केटिंग। ये सर्वे रिलेटेड थिंग, सर्वे रिलेटेड होती है। सर्वे क्या हो जाता है कि इन इंडिया सर्वेज आर इन वेरी प्रीमैच्योर स्टेज राइट नाउ। मैं बहुत से सर्वेज फेल होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो स्टेट इलेक्शन हुए छत्तीसगढ़ के,
मध्य प्रदेश के और राजस्थान के, उनमें कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी सर्वेज में आ रहे थे, बट रिजल्ट वैसा नहीं था। करेक्ट। सो या तो आपके मेथड गलत है, हाँ हो सकता है, या आप जहाँ अप्रोच कर रहे हो जो क्वेश्चनर से वो आपके गलत है। गलत है। सर्वेस अगर पॉलिटिकल मार्केटिंग में आपको पॉलिटिकल डोमेन में आपको अगर प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो आपको जो इलेक्शन के स्टैट्स होते हैं उसके साथ उसको मर्ज करना जरूरी है। अंडरस्टैंड। तो मैं वैसे करता हूँ, जो प्रीवियस इलेक्शन है सबसे बड़ा सर्वे क्या है पॉलिटिक्स में, जो वोट डाला है वो। करेक्ट। पिछले इलेक्शन उससे बड़ा कोई सर्वे है नहीं है। और ये एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई एक विधानसभा है वहां पर 1.5 लाख लोगों ने वोट किया, तो वही तो सबसे बड़ा सर्वे है, तो मैं उसको सेंटर में रखता हूँ और पास्ट इलेक्शंस की स्टडी करता हूँ। करेक्ट। 1962 तक जाने की ये करता हूँ कोशिश, 2012 तक तो चला जाता हूँ मैं। मोस्टली लोग प्रीवियस इलेक्शन तक का ही देखते हैं ये क्या था क्या नहीं था। वो भी डिफर करता है कि लोकल इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन है, सेंट्रल इलेक्शन है। लोग गधे नहीं होते, वो वोट देते वक्त प्रॉपर सोच के देते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये स्टैट जो है ये पुराना नहीं है, ये लोगों का जवाब है। करेक्ट। ये उनका मैंडेट है, कैन नॉट व्हाट से आप उसे मद्देनजर नजरअंदाज नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसके साथ मैं सर्वे डिजाइन करता हूँ। करेक्ट। दैट इज व्हाट ना यू हैव। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर बूथ से पिछले बार यही पार्टी का वोट है, तो मैं वहां पे सर्वे करने भेजता हूँ। फिर वो जो सर्वे का रिपोर्ट आता है ना, उसको मैं मेरे स्टैट से मैच करने की कोशिश करता हूँ। इंटरेस्टिंग। अगर वो होता है तो सर्वे वाला प्रॉपर था। इंटरेस्टिंग पॉइंट। या सो यू नीड टू नो कि आप जहाँ सर्वे करने जा रहे हैं वो ग्राउंड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको सर्वे में सक्सेसफुल होना है इंडिया में पॉलिटिकल डोमेन में, तो अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद क्या हुआ? आई मीन हाँ, उसके बाद वही इलेक्शंस में काम किया मैंने, लोकल इलेक्शंस में। फिर जैसे ही फरवरी में इलेक्शन होते हैं, वही साल मई में दिल्ली कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं, तो मैं बैग पैक करके दिल्ली चला गया। अच्छा। सीधे पहली बार गया मुंबई के पास सीधा दिल्ली। हाँ, मुंबई का सीधा दिल्ली। मैं गुजरात का हूँ, मतलब अच्छा। गुजराती हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, लिविंग इन महाराष्ट्र, लेकिन गांव गुजरात है। अच्छा। गुजरात गया था और राजस्थान गया था, और कोई स्टेट ट्रैवल नहीं किया था अकेले। अच्छा। तो फिर दिल्ली चला गया, दिल्ली में भी मैंने फिर क्लाइंट कैंडिडेट्स की लिस्ट वगैरह निकाली, कॉल करना शुरू कर दिया, उनको अप्रोच किया। उसी दिन शाम को मुझे काम मिल गया, जिस दिन पहुंचा मैं उस दिन वही सर्वे का काम मिला। आपका डेडिकेशन जो है वो जो पॉलिटिशियन है आपके सामने, ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिशियंस आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वो सबसे ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, हार्डवर्किंग भी बहुत होते हैं। सो उनके सामने हॉनेस्ट रहना है, आप जो सर्विस ऑफर कर पाओगे वही बताना है, और सबसे बड़ी बात उनको लगना चाहिए कि आपको पॉलिटिक्स की समझ है। समझ है। करेक्ट। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मार्केटिंग, यू हां, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्केटिंग। व्हेन आपका मार्केटिंग कब सक्सेसफुल होगी, जब आपको डोमेन पता होगा। एग्जैक्टली। आपको पता ही नहीं है कि ये पॉलिटिक्स क्या है। अगर मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस के लीडर से मिल रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं इनके लिए लोगों में क्या पिच करूँ। करेक्ट। इनका फिलोसफी क्या है। That is what, it's a separate industry, political marketing and campaign. हाँ, that's a separate industry. अभी क्या हो चुका है कि marketing वाले सब आते हैं, they try their best, of course, but where they fail, lack of knowledge, of course, the specific field of understanding of domain, correct, domain the corporate sector, कि आपने वही जो book में है या वही जो trends है वो implement करके result deliver कर दिया। यहाँ नहीं होता, हर state में अलग होता है। like मैं हमेशा बोलता हूँ, Like, मुझे बहुत लोग पूछते हैं मैं कर्नाटक था तो कैसे किया फिर सर आपने, पर ऐसा सिंपल सी तो बात है, कैसे करूँगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये फोन मुझे बेचना है, आईफोन है, मैं कर्नाटक में आया हूँ, मुझे आईफोन ही बेचना है, लेकिन कन्नड़ा में बेचना है। हाँ, कन्नड़ा बोल के बेचना है, समझ नहीं है वहाँ लोकल चीजों को अडैप्ट करना है मुझे बस। और बटन तो एक ही बार दबाते हैं ना पूरे इंडिया में लोग, इलेक्शन चाहे कोई भी हो, लोग ये भूल जाते हैं। सो एक बेसिक फ्रेमवर्क है,
उसके ऊपर जो एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि वो कैसे मैं कलेक्ट करूंगा, उसे कैसे मैं समझूंगा. अंडरस्टैंड. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. लास्ट 10 to 20 ईयर्स में आपने क्या चेंजेस देखा मार्केटिंग के पॉलिटिक्स के अंदर? अच्छा, 10 साल पहले मेरे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं थी पॉलिटिक्स में. मेरी उम्र में, जो उम्र में मैंने स्टार्ट किया था 24 पे, वो उम्र में यूथ 20 साल पहले झंडे बैनर बांधने का काम करते थे, लोगों को मोबिलाइज करने का काम करते थे. आज हम 70 ईयर के पॉलिटिशियन हो, मिनिस्टर हो, उनके साथ बैठ के उनको गाइड करते हैं, हमारी बात उनको रखते हैं, सर ऐसे नहीं ऐसे है, फिर वो डिसीजन लेते हैं. सो वी हैव अ चेयर ऑन द टेबल टुडे. सो दैट्स द चेंज. मतलब अब एक नॉर्मल आदमी नहीं रहे. हाँ. कि भाई बस आप लाइक विदाउट अस पॉलिटिक्स इज इम्पॉसिबल नाउ. अंडरस्टैंड. जो कैंडिडेट को लगता है कि विदाउट कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, यू विल कंटेस्ट एन इलेक्शन एंड विन, तो गलत है. या तो वो खुद होगा. हाँ. कोई वो भी विन होगी. करेक्ट. मतलब कोई ना कोई होता है. या तो ऑफिशियल होता है, फ्रेंडली. हाँ, होता है, प्रोफेशनल होता है, कुछ भी हो सकता है, पार्टी की तरफ से होता है, कहीं से होता है, पर वो होता है. वो पहले से था, उसका नाम नहीं था. हाँ. अब उसको नाम मिल चुका है, एक स्पेस क्रिएट हो चुका है प्रॉपर. मुझे अपना थोड़ा जर्नी बताएंगे. इलेक्शंस कैंपेन यू हैव रन लाइक 14 इलेक्शंस यू हैव ऑलरेडी मेंशन. सो 13 यू हैव सेड के सक्सेसफुल रहा. 5 अलग-अलग स्टेट्स के अंदर यू हैव डन इट. सो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? लेट्स स्पीक अबाउट छत्तीसगढ़. मैं जब छत्तीसगढ़ जा रहा था तो लोगों को लगा कि ये नक्सलाइट स्टेट है, कहाँ जा रहा है. मैनी फैमिली मेंबर कॉल्ड मी डोंट गो. अरे कुछ नहीं है, मैं सेफ जगह पे जा रहा हूँ. तो मैं वहाँ गया, 30 दिन रहा, क्लाइंट क्रैक नहीं हुए, फिर क्लाइंट क्रैक कर दिए, देन आई स्टार्टेड वर्किंग. सो वो इलेक्शन में मुझे क्या समझ में आया कि अगर आपको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में सक्सेसफुल करियर बनाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा. इट्स नॉट अबाउट क्रैकिंग मैक्सिमम क्लाइंट्स, इट्स अबाउट क्रैकिंग वन क्लाइंट एंड डिलीविंग द रिजल्ट. आपको रिजल्ट डिलीवर करना पड़ेगा. तो वहां पे मैं 110 दिन रहा. 110 दिन में गांव गांव घूमा विद माय टीम, माय एल्डर ब्रदर आल्सो. गांव गांव घूमने के बाद हमने कैंडिडेट को कहा कि सर आप 2600 वोट से जीत जाओगे इसके आसपास. ओके. हम 2400 से जीत गए. जस्ट 19-20 का फर्क रहा उसका. हाँ, जस्ट 19-20 का फर्क रहा. अब ये कैसे रहा फर्क? मैं गांव में जा रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, गांव की सिचुएशन देख रहा हूँ. तो खुली किताब है वो. आपको बस देखना आना चाहिए. और डेटा तो था हमारे पास. करेक्ट. डेटा एनालिसिस तो हम करते ही थे. तो वैसे फिर हमने रिजल्ट डिलीवर करना शुरू कर दिया. उसके बाद मैं बैंगलोर गया, गुजरात गया, गुजरात में भी कैंडिडेट को जीता है. वहां पे भी वैसे ही रहा गांव में. कैंपेन एंड बूथ स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन हमने बनाया. Then we started working. Then we went to Bangalore also. वहाँ पे भी यही कैंपेनिंग एंड बूथ स्ट्रेटजी. वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी. कैंडिडेट से बात करने के लिए मुझे एक व्यक्ति को रखना पड़ता था ट्रांसलेशन के लिए. लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर. उनको पता चल जाता था. इंग्लिश में हम कम्युनिकेट कर लेते थे, हिंदी में भी करते थे, लेकिन लोकल लोगों से बात करने के लिए फिर हमको हिंदी में बात करनी पड़ती थी. एक ट्रांसलेटर चाहिए. ट्रांसलेटर चाहिए आपको. सो यू हैव टू ट्रैवल. Correct. The answer is you have to travel. If you are not traveling, you won't understand politics. जब तक उस region में जाओगे नहीं. हाँ. लोगों के साथ बैठ के बात. Very simple. हमारे बॉम्बे का बहुत famous है वड़ा पाव. हाँ. इसी का नाम नागपुर में आलू बोंडा. अच्छा. तो difference तो आपको तभी पता चलेगा जब नाम का difference. Travel करने से आपको पता चलेगा. हाँ. कि क्या चीजें अलग है. तो मैंने ट्रैवल किया वहां पे भी. फिर जब महाराष्ट्र इलेक्शन आया, दैट वाज द बेंचमार्क इलेक्शन फॉर मी. मैंने हर कैंडिडेट्स के रिजल्ट करेक्ट आए. अच्छा. लाइक इनके साथ काम किया मुझे तब हमारे तब के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी ने अपॉर्चुनिटी दी थी
उनके यहाँ हमने 30 days की सर्विस दी थी। अच्छा। ही गांव गांव घूम के लोगों को ट्रेन किया था, ईवीएम के बारे में ट्रेन किया था, बूथ के बारे में ट्रेन किया था, और 96,000 वोट से हम जीते थे। सर्वेज में उनको 1 lakh से ज्यादा वोट दिखा रहे थे, बट हमने उनको कहा था कि वी आर नॉट क्रॉसिंग अनलाइन वोट्स। अच्छा। सो आइडेंटिफाई किया था कि कितने लूप होल्स है हमारे कैंपेन में, वो सब आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रेक्टिफाई किया उन्होंने, और सबसे बड़ी बात उन्होंने सुना, हम इम्प्लीमेंट किया हमारी चीजों को। फिर मैंने यहाँ पे कैप्टन तमिल सेल्वन जी जो एमएलए अभी साइन कोलीवाड़ा से, उनका सेकंड टर्म का काम किया था मैंने। अच्छा। वो भी जीते, 15,000 का हमारा मार्जिन था, मैने 20,000 का कैलकुलेट किया था, तो एक वार्ड से हमको कम आया वोट, वो भी मैंने उनको 2 हफ्ते पहले बोल दिया था कि सर यहाँ से वोट कम आने वाला है, वो वैसा ही हुआ। वेरी एक्यूरेट डेटा। हाँ, फिर बाइकला सीट का मैंने प्रेडिक्शन किया था कि यहाँ पे यही होगा, बांद्रा वैश का किया था, जिशान सिद्दीकी जी जो भी वहाँ के एमएलए है, जैसे ही टिकट्स डिक्लेयर हुई कैंडिडेट मेरे सामने, मैंने पहले माय फर्स्ट स्टेटमेंट वाज कि जिशान इज विनिंग द इलेक्शन बांद्रा ईस्ट से। या दैट वाज अ प्योर डेटा, वो स्टडी मेरी प्योर डेटा पे है। वेरी नाइस। लाइक डेटा को देखने का नजरिया शायद मेरा ठीक ठाक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। Very nice. You have mentioned EVM. Huh. And I know that you are one of those who do the EVM testing. Yes, very true. Explain it to us, EVM के बारे में, और फिर testing तक कैसे पहुँचे, EVM क्या चीज़ है? EVM तक कैसे पहुँचा मैं? As a campaign strategist, हमारे client list को जब मैंने analysis किया, तो मुझे पता चला कि मेरे potential clients जो है, वो runner up है। अच्छा। Second number, third number. तब उनको जरूरत इसीलिए है ना कि उनको लगता है कि हम ये नहीं था, ऐसी कुछ सर्विसेज हम नहीं ली, इसलिए हम हार गए। करेक्ट। तो अभी के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नंबर टू पे कांग्रेस, अभी की यूबीटी, शिवसेना, अदर पार्टीज जो पावर में नहीं है, वो मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो गए। अच्छा। तो उनके क्वेश्चंस हर बार आते थे, ईवीएम। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन सारे, मतलब लोग चाहते हैं कि मैं इस पे उनसे बात करूं। तो इलेक्शन कमीशन ने सारी मैनुअल्स पब्लिक डोमेन में दी है, ईवीएम पे, इलेक्शन प्रोसेस पे। तो मैंने वो सारे मैनुअल्स पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मुझे पता चला कि मुझे खुद को पता नहीं था कि इलेक्शन कैसे हो रहा है। अच्छा, ईवीएम। हाँ, लाइक वेरी सिंपल, अगर मैं इलेक्शन कर रहा हूँ कि आप जाके वोट करो, तो बटन जो मशीन में आप दबाओगे, वो मशीन मुझे पता होनी चाहिए। अगर मुझे नहीं पता है, तो मैं काय का स्ट्रेटेजिस्ट और काय का कैंपेनर, तब तो मेरा रोल एक स्पेसिफिक हो जाएगा, मैं लिमिटेड हो जाऊंगा। तो मैंने ईवीएम को स्टडी करना शुरू कर दिया। अच्छा। ईवीएम को स्टडी शुरू कर दिया करना छत्तीसगढ़ इलेक्शन के बाद से, और महाराष्ट्र में उसकी सर्विस दी मैंने अनिल देशमुख जी को। मेरे बड़े भैया ने वहाँ पे 1200 से ज्यादा ईवीएम मशीन टेस्ट किए। अच्छा। ईवीएम मशीन क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन। वो एक मशीन है क्या? नहीं, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 यूनिट। अच्छा। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट यूनिट। बैलेट यूनिट जहाँ पे आप वोट डालते हैं, कंट्रोल यूनिट जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, उनके टेबल पे होती है, दैट्स द ब्रेन ऑफ द ईवीएम। ओके। एंड वीवीपैट, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ओके। जहाँ पे आपको स्लिप दिखती है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, वो दोनों साथ में होते हैं, बैलेट और वो, और कंट्रोल यूनिट वहाँ पे होती है। तो इनकी वायरिंग कैसी होती है? अच्छा। इनकी फंक्शनिंग कैसी होती है? ये कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब स्टडी करना मैंने शुरू कर दिया। और फिर मुझे पता चला कि एक इलेक्शन प्रोसेस में ईवीएम कहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है, कितनी इम्पोर्टेंट जर्नी। हाँ, तो ईवीएम हैक होना, ये होना, वो होना, वो जो डाउट्स थे, तो मैं कैंडिडेट्स को कहने लगा कि जब तक आप वो डायरेक्शन में वॉक चलेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आगे क्या है? मतलब जनरल आम आदमी तो कुछ भी बोल सकता है। हाँ, कि यार ये ऐसा हुआ होगा, वो वैसा बोला सर, हल्ला करना तो आसान है कि यार ईवीएम हैक हो रहा है, लेकिन जब तक ईवीएम को टच नहीं करेंगे, ईवीएम को देखेंगे नहीं, उसकी प्रोसेस को समझेंगे नहीं, इलेक्शन कमीशन क्या करता है ये समझेंगे नहीं, ये पता ही नहीं होगा, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, ये सिर्फ गॉसिप हो जाएगी। फिर करें इसे आपको ऑथेंटिकेट करना होगा कि ये क्या है प्रॉपर। तो ईवीएम टेस्टिंग,
ट्रैकिंग सर्विसेज ट्रेनिंग, इसमें बहुत ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और कॉम्प्लिकेशंस तो आगे है, सारे कैंडिडेट्स बेसिक्स में ही मिस कर जाते हैं। तो वैसे ही ईवीएम टेस्ट होती है, हम इलेक्शन कमीशन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आई गो, मैं खुद जाता हूँ ईवीएम टेस्ट करने, मैं वहाँ पे हर जगह रहता हूँ, इलेक्शन कमीशन की जो प्रोसेस है उसमें आपको मौजूद रहना पड़ता है। ओके। और जिस दिन वोटिंग होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, उसमें हर बूथ पे कैंडिडेट का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठ सकता है। ओके। उसे ट्रेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वही टेस्ट करता है? हाँ, वो लास्ट टेस्ट होता है, मॉक पोल उसे बोलते हैं। हर वोटिंग के दिन आपकी वोटिंग 7 बजे शुरू होती है, 8 बजे, उसके पहले 1 घंटे पहले पूरी प्रोसेस होती है ईवीएम टेस्टिंग की। ओके। वहाँ पे भी होती है, उसमें बहुत सारी सील्स लगाई जाती है ईवीएम पे, वो प्रोसीजर प्रॉपर हो रही है कि नहीं आपको ध्यान रखना पड़ता है। हर पार्टी का कैंडिडेट वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आता है तो वो चेक करते हैं। तो हम वो रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन करते हैं, उनको किट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। लाइक ऐसा ट्रेन करते हैं कि दे सिंपली डिलीवर, मैक्सिमम पीपल आज तक तो रिजल्ट डिलीवर किया है हम लोग को वैसा। फिर काउंटिंग दिन तक आपको जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब वहां पे लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। हाँ, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट, वन डे वर्क नहीं है वो, बिकॉज़ इन आवर डोमेन आई एम द वन ऑफ द फ्यू एजेंसीज हु प्रोवाइड सर्विस टिल काउंटिंग डे। मतलब मैं लास्ट वोट काउंट होने तक सर्विस दे रहा हूँ। जब तक उस ईवीएम मशीन का काम है यू हैव टू बी देयर। हाँ, उसके बाद भी 90 दिन होता है। अच्छा। लेकिन काउंटिंग दिन तक आपका एटलीस्ट वहां तक तो होने चाहिए आपने, है ना? ओके, वेरी नाइस यार, इंटरेस्टिंग पार्ट। एक्चुअली आई वाज नॉट अवेयर ऑन दैट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी आप जाओगे वोटिंग देने तो आप देखोगे मशीन को ठीक से। हाँ, अब मुझे वो चीज को, हाँ ऑनेस्टली अब मैं उस पर ध्यान दूंगा उस चीज को। ये वर्जन M3 है। अच्छा, इसके पहले 2 वर्जन आ चुके हैं। ओके, इलेक्शंस की जब लोग कोई बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली, सो व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शंस, लाइक अभी तो लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं, करेक्ट? अभी जो आ रहे हैं, सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शंस वी हैव इन इंडिया और उसका कुछ सिनेरियो। ओके, सो इंडिया इज ए क्वैश फेडरल डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ पे बहुत टाइप्स के इलेक्शन होते हैं, बट मेजरली 3 टाइप्स के इलेक्शन होते हैं। एक लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, स्टेट इलेक्शन होते हैं और एक जनरल इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन को हम लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन जो होते हैं ना, वो आपकी सिटी की लोकल बॉडी या विलेज की लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं। ओके, पंचायत इलेक्शन जिसको बोलते हैं, वो इलेक्शन होते हैं। वो इलेक्शन का जो ये है मोटो है, वो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइक रोड्स, ये सिविक इश्यूज जो है डे टू डे वाले, उसे सॉल्यूशन करने के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो वहाँ का लोकल हाउस होता है, कॉरपोरेशन बोलते हैं उसे। हमारे यहाँ पे ग्रेटर मुंबई है, वी आर द महानगर, हम सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है एशिया की। करेक्ट। और इसमें 227 कॉर्पोरेटर्स इलेक्ट होकर जाते हैं, इसमें वार्ड्स बनते हैं। हाँ, करेक्ट। ठीक है, विलेज इसमें से पंचायत बनती है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो ये जो होता है ना, बेसिकली गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो एंड तक पहुंचाने की कोशिश है, इसे लोकल बॉडी इलेक्शन कहा जाता है। ओके, ये लोकल गवर्निंग बॉडी होती है, ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है पूरी। ओके, ठीक है। फिर होता है स्टेट इलेक्शन, जिसे हम असेंबली इलेक्शन कहते हैं। स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट्स के इलेक्शन इंडिया में हर साल होते ही रहते हैं। अच्छा। ओके, और ये क्यों होते हैं? बिकॉज मैंने जब पहले कहा कि मेरे क्वैश फेडरल, पावर जो है ना सेंटर के पास है पूरी, ना स्टेट के पास है पूरी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। करेक्ट। तो लाइक इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा। व्हाट डज दिस मीन? यूनियन, यूनियन मतलब स्टेट्स सबसे ये मिलके इंडियन गवर्नमेंट बनाते हैं। ओके, तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट बनाते हैं, इसमें जो यूनियंस है उनका भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा। तो ये स्टेट से, लाइक हमारा डीम डेट है, हम 1960 में हमारा स्टेट हुआ, गुजरात से अलग हुआ और महाराष्ट्र अलग हुआ, तो हमारी डीम डेट बनती है, फिर हमारे इलेक्शन तब होते हैं। तो किसी के इलेक्शन बोलते हैं ना, हर साल 2-3 दिन स्टेट के इलेक्शन होते रहते हैं।
स्टेट इलेक्शन में जो होता है ना, स्टेट की पॉलिसीज बनती है, उसमें चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कब इलेक्ट होते हैं, आप जो है वो एमएलए को इलेक्ट करते हैं, आपके लोकल कैंडिडेट, आपकी विधानसभा बनती हो, बाउंड्री बनती है, उसका एक स्ट्रेंथ होता है कि इतने लाख वोटर्स ही इसमें रह सकते हैं, अगर बढ़ जाता है तो उसको डिलिमिटेशन किया जाता है। अच्छा, वो भी वही फॉर्मूला कॉर्पोरेशन में है, आप नीचे से ऊपर तक एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो आपका लोकल होता है, करेक्ट, आप जहां रहते हो वहां पे आप वोट करते हो, या आपका वोटर आईडी जहां का हो वहां पे आप वोट करते हो। तो लोकल बॉडी में आप कॉर्पोरेटर को वोट करते हो, वो कॉर्पोरेटर मिलकर मेयर बनाते हैं, स्टेट में एमएलए को आप वोट करते हो, एमएलए के लिए कैंडिडेट को वोट करते हो, वो फिर एमएलए जाके हाउस में जाके चीफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। ओके ओके, फिर आता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में आप एमपी को इलेक्ट करते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, उनकी भी साइज ऑफ द पॉपुलेशन फिक्स होती है। ओके, वो बढ़ जाती है तो फिर डिलिमिटेशन किया जाता है। अभी इंडिया डिलिमिटेशन स्टेज में है आफ्टर 2040। ओके, मतलब हमारे एमपीज की साइज बढ़ सकती है, 900 हो सकती है, अभी 534 है, 900 हो सकती है। ओके, तो अभी जो इलेक्शन आ रहा है उसके अंदर, हाँ, 543 if I'm not wrong, हाँ, तो वो एमपीज मिलके फिर जो पार्टी के सबसे ज्यादा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बनती है या कोएलिशन बनती है, लाइक एनडीए है, यूपीए है, अभी यूपीए जो इंडिया बना है वो है, जिसके पास स्ट्रेंथ होती है वो गवर्नमेंट बनाएंगे। 272 हमें स्ट्रेंथ चाहिए हाउस में, आपके पास 50% से एक ज्यादा, ओके, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते, मेजॉरिटी से एक वोट ज्यादा, एक वोट ज्यादा भी रहा तो वो मेजॉरिटी, मतलब एमपी, एमपी, हां, अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ एमपीज, हां, नंबर ऑफ सीट्स, हां, फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अभी लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, सो माय कंसर्न इज दैट के मार्केटिंग कैंपेन्स इसके लिए तो काफी सारे स्टार्ट हो चुके हैं, हो चुके और कर भी रहे, और अभी बहुत सारी चीजें हमें पता चलेगी आगे जाकर, चलेगी आगे कैंपेन्स, और इसमें डेटा कितना इम्पोर्टेंट होता है, डेटा एनालिटिक्स जिसका अगर मैं कहूँ, इन 2019 लोग कहते थे डेटा विल बी न्यू ऑयल। ओके, व्हाई ऑयल? ऑयल वाज द व्हाट से richest asset, the costliest asset of the world that time. Correct. Data ने वो pass कर दिया है उसको, surpass कर दिया है. Now data is new. Data is, yeah, correct. इतना important. Data is everything. If you do not have data, you are blind. Basically. What type of data we need for Lok Sabha? Lok Sabha. For any election, you need two type of data. First of all, one is communicating data. लाइक आपके असेंबली है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, आपका वार्ड है, वहाँ पे जो आपके वोटर्स है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास होने चाहिए, वो आपके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको उनको सोशल मीडिया पे डाइवर्ट करना है, आपके कैंपेनिंग की बातें उन तक पहुँचानी है, तो उनका कम्युनिकेटिंग चैनल आपके पास होना चाहिए कोई भी एक, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, वॉट एवर इट इज, कॉन्टैक्ट नंबर इज द मेजर फोकस, तो वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके वेरियस मेथड्स होते हैं कलेक्ट करने के, ठीक है, आपकी ऑफिस, अगर आप कैंडिडेट हो तो आपके ऑफिस, लोग आपके ऑफिस विजिट करते हैं या आप टीम को भेजते हैं फील्ड पे और कलेक्ट करते हैं डेटा। सेकंड इज स्टैट्स, यू मस्ट हैव अ इलेक्टोरल स्टैट्स विथ यू, आप जो भी वार्ड, असेंबली या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ की जो इलेक्शन हिस्ट्री वो आपके पास होनी बहुत जरूरी है। Okay. अगर वो आपके पास नहीं है, इफ यू डू नॉट नो योर हिस्ट्री यू कैन नॉट क्रिएट द फ्यूचर। तो हिस्ट्री तो आपके पास होनी चाहिए ना, तो वो स्टैट्स आपके पास होने चाहिए, उससे आपको पता चल जाता है कि मेरे यहाँ पे सिचुएशन क्या रही है, और कोई चमत्कार तो नहीं होने वाला, वो सब चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, करें, वो पैटर्न में चलती है, तो उसमें से आप कैसे अपना रास्ता बनाएंगे उसके लिए स्टैट्स का होना बहुत जरूरी है। स्टैट्स होना एक बात है और स्टैट का एनालिटिक रिपोर्ट होना दूसरी बात है। स्टैट सबके पास है, करेक्ट, एनालिटिक रिपोर्ट्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू मेंशन वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुझे हार्डली 1 आवर लगेगा उसका प्रोफाइलिंग करने में। अच्छा, और फिर आप वो एमएलए हो या कोई भी कैंडिडेट हो वहाँ का, उनसे आप मुझे बात करोगे, मैं जो बोलूंगा आप फिर मेरी बात के बाद
बात होने के बाद जो फीडबैक लोग है वो कह गए उससे तो बहुत ज्यादा पता है मेरे विधानसभा के बारे में, जब तक मैं वहाँ गया, जबकि मैं वहाँ गया ही नहीं हूँ कभी। बट डेटा ने आपको हेल्प कर दिया। हाँ, डेटा ने मुझे हेल्प कर दी। And that analytic report helps you well. जब आप report create करते हो, हाँ, सबको पूरा data, data तो सबके पास है। That's the USP of report will give you final form. That's the USP of our form. Very nice. Data की importance बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। Data का देखने का नजरिया होना चाहिए आपको। Data को देखने का नजरिया होना चाहिए। Like मेरा जो analysis का method है वो खुद develop किया है। अच्छा। It's not any bookish or something. Understand. मैंने categorize किया है। वो कैटेगरीज में फिर हम वो डेटा को फिट करते हैं, फिर उसको हम लेबल कर देते हैं। लोकसभा इलेक्शन की अगर मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना है, इसकी स्ट्रेटजी बनानी है, तो कौन कौन से फैक्टर्स को और व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, रिसोर्सेज, व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपने को करनी चाहिए? लोकसभा इलेक्शन क्या हो जाता है ना कि इसमें कैंडिडेट जो होता है ना उनका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स है। आपको नेशन के लिए वोट करना है, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बनेगी ओके, उसके लिए आपको वोट करना है। तो मीडिया प्लेज वेरी की रोल, डिजिटल मीडिया। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि 2014 में हमने PMTV से चुना था। अच्छा। हमारे मार्केटिंग डोमेन में, सो दैट्स ट्रू। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, मार्केटिंग इतनी ज्यादा हुई कि हम टीवी देख देख के ही, अभी भी जो है माइंडसेट लोग टीवी देख के ही बनाने वाले हैं। कैंडिडेट तो बहुत कम आते हैं क्योंकि उनका एरिया बहुत, रीजन बड़ा हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है। 6 MLA महाराष्ट्र में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। अच्छा। 6 MLA मतलब कितना रीजन हो गया, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप नागपुर की बात करें तो एक विधानसभा ही 70 किलोमीटर के रेडियस की है। ओके। तो 6 कितनी हो गई, तो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। सो द ओनली वे टू रीच आउट पीपल इज डिजिटल। Correct. और पैम्पलेट और समथिंग मास मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ, मास मार्केटिंग कर सकते हैं आप। तो इसमें अगेन सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ। आई वांट टू कम ऑन दैट। सोशल मीडिया अब तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। करेक्ट। कितना इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर हियर बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मीडिया। करेक्ट। सो सोशल मीडिया इज लाइक के वन एंड वन कनेक्शन है। सो सोशल मीडिया कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर द कैंपेन्स? इट डिपेंड्स कि आप क्या रन कर रहे हो। लार्जली सोशल मीडिया जो है वो नेगेटिव वे में करंटली ट्रेंड कर रहा है। एग्जांपल बायकॉट मूवीज सब जो चल रहे हैं, बायकॉट दिस, बायकॉट दैट, दैट्स द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया करंटली हैविंग। इससे पॉजिटिव गेन पॉलिटिकल पार्टीज को भी होता है। अच्छा। ट्रेंड्स से कुछ ट्रेंड्स तो चलाए जाते हैं, कुछ नहीं मैक्सिमम ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, फिर उस पर ट्रेंड्स पे आप बात करते हैं, आप बिजी हो जाते हैं, एक दिन ख़त्म हो जाता है और फिर अगेन दूसरा ट्रेंड तब तक आ जाता है जब तक आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता है। वैसा है तो सोशल मीडिया मतलब कैसा है कि अभी जो पॉलिटिकल डोमेन है, पॉलिटिशियंस आर वेरी मच सीरियस अबाउट देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल। अभी मतलब पहले क्या होता था कि बस अकाउंट होता था, रेगुलर अपडेट्स पोस्ट हुआ करती थी, अब वैसा नहीं है। अब उसकी एक स्ट्रैटेजी बनती है। फॉर एग्जांपल हम जो सर्विस दे रहे हैं अभी कैंडिडेट्स को, एक कैंडिडेट का मीडिया मैनेज करने के लिए 6 लोग चाहिए हमें। Correct. आपके कंटेंट राइटर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स जो उनके साथ होते हैं, उनकी टीम होती है, हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें अब है कि ये मैंडेटरी हो चुकी है पॉलिटिक्स में, आपके पास ये होनी ज़रूरी है। सब कर रहे हैं लेकिन इम्पैक्टफुल कौन कर रहा है उसका सोशल मीडिया जीतता है। करेक्ट। तो जिसका प्रोफाइल आपको दिख रहा है अपने इंस्टा पे या रील दिखती है जो भी पॉलिटिशियंस की, तो वो एक रिसर्च बेस्ड ही होता है प्रॉपर। उसके पीछे डिजिटल मार्केटिंग भी इंटीग्रेट की जाती है, सब स्ट्रेटेजाइज एड्स वगैरह जो है वो प्रॉपर ही रन की जाती है, बिना लाइक देयर इज नथिंग एक्सीडेंटल इन पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज प्लान्ड। हम डिजाइंस के कलर भी डिसाइडेड होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन को भी आपको याद रखना पड़ता है प्रॉपर कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन, बिकॉज कलर इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ यू। फॉर एग्जाम्पल BJP इज यूजिंग लार्जली द ऑरेंज कलर, व्हाई? इट रिप्रेजेंट सर्टन रिलीजन। ओके। वैसे कांग्रेस ट्राई कलर में रहती है हमेशा, तो हमें वो बाउंड्रीज को भी मेंटेन करना पड़ता है, उसमें भी कुछ न्यू इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं
ग्रेड चेंज होते हैं कलर्स के थोड़े ऊपर नीचे और कम्युनिकेट करते हैं लोगों से आप। सोशल मीडिया पे जो कैंपेन्स रन होते हैं कितना बजट के ऊपर आता है? इफ यू आस्क मी 2019 का जनरल इलेक्शन जो अभी आ रहा है 24 वाला, तब एक एक्सपेंस जो मॉनिटर किया गया था वो 10,000 CR था। 10,000 ये इंडस्ट्री में टोटल एक्सपेंस 10,000 CR हुआ था। उसमें लोकल मतलब क्या कहते हैं फिजिकल एस्पेक्ट भी कवर हुआ था पार्ट, टैम्पलेट्स एंड ऑल, बैनर्स एंड ऑल, लेकिन 10,000 CR की इंडस्ट्री है मतलब ये। तब अब कितनी होगी? ऑब्वियसली 2014 से डबल एक्सपेंस हुआ था पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा। अच्छा, अभी ये बहुत अच्छा बिजनेस है, आपके पास अगर पॉलिटिक्स की समझ है तो आप अच्छी सर्विस दे पाएंगे, अदरवाइज क्या हो जाता है कि ये वन टाइम सर्विस हो जाती है, एक बार परचेस करते हैं कैंडिडेट, दूसरी बार आपके पास से नहीं लेंगे। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, इसमें बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स लगता है। अच्छा, मतलब आपको जो दिखता है कि अरे इनके बारे में तो बहुत अच्छी बात हो रही है मीडिया में, लोग इतने फ्री नहीं है कि बात आप पे बार बार करें, पीपल आर बिजी। तो एजेंसीज होती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, आपका माहौल अच्छा बनाती है लोगों के बीच में। सो फेक अकाउंट्स भी चल रहे हैं बहुत, मैनी थिंग्स आर अनएथिकल, वी डू नॉट प्रोवाइड सच सर्विसेज, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, लाइक ग्रोथ हो ऑर्गेनिक हो और वो हम करते हैं, वी हैव स्ट्रेटेजी। मैंने क्या किया है पॉलिटिक्स में, लाइक लार्जली क्या हो जाता है कि जो डिजिटल सर्विसेज को एक इंडिपेंडेंट सर्विस माना गया है मीडिया मैनेजमेंट को, मैंने इसे और ग्राउंड को कनेक्ट किया। करेक्ट, इफ योर मीडिया इज नॉट कनेक्टेड टू द ग्राउंड ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, और ग्राउंड जो है पूरा मीडिया पे होना चाहिए आपका। करेक्ट, तो मैं इसमें कैंडिडेट के टीम मेंबर्स, पार्टी वर्कर्स को इन्वॉल्व करता हूँ, लोकल लेवल पे इसे प्रॉपर कम्युनिकेट करवाता हूँ थ्रू फिजिकल कम्युनिकेशन, लाइक जाना मिलना, लोगों से इंटरेक्ट करना और उन्हें डाइवर्ट करना अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। करेक्ट, वैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लार्जली जो एजेंसीज, जो बोट है, बूस्टिंग है, ये सब सर्विसेज है, ये मेरे हिसाब से टाइम बीइंग सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म में फेलियर ही है। मार्केटर्स को ये चीज़ें समझनी चाहिए। हाँ, मार्केटर्स को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जिससे पॉलिटिकल पार्टीज का या जो वॉट कैंडिडेट उनका कितना योगदान रहता है उसके अंदर, वो मार्केटिंग कैंपेन्स को किस तरह देखते हैं? वो बहुत सीरियसली देखते हैं इसे, मार्केटिंग कैंपेनिंग को, वो बिना मार्केटिंग कैंपेनिंग के वो उन्हें पता है कि लोगों तक पहुँच नहीं पाएगी। सो हर चीज़ें की जाती है, मतलब फोटोशूट से तो स्टार्ट होता है कि उनका फोटो कैसा होगा। करेक्ट, तो फोटोशूट में कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे दिखेंगे लोगों में, तो फिर क्या मार्केटिंग होना चाहिए, मेजर प्लेटफॉर्म्स कौन से कवर कर सकते हैं मार्केटिंग? मेजर प्लेटफॉर्म्स इसमें पहले फेसबुक था, अभी क्या है फेसबुक पे जो ऑडियंस है वो अबव 35 हो चुका है, 40 वो ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव है फेसबुक पे, और जो यूथ है वो पूरा इंस्टाग्राम पे डाइवर्ट हो चुका है, और अभी जो जेन जीज बोलते हैं ना उनको, वो जो है वो स्नैप पे है, तो पॉलिटिशियन स्नैप पे भी आ जाएगा आने वाले टाइम में। अच्छा, तो आप सरप्राइज मत हो जाना कि मैंने स्नैप का भी स्टार्ट कर दिया कैंपेन। अच्छा, तो अभी इंस्टाग्राम रील्स आर वेरी मच एनी, अभी कम्युनिकेशन मीडियम जो है 2019 में हम कह रहे थे कि वीडियो इज द फ्यूचर, आज हम कह रहे हैं वीडियो इज द प्रेजेंट। हाँ, सो अभी जो है वो पूरा रील्स, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, और लोगों का अटेंशन टाइम कम हो चुका है, इसलिए आप देखिए फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस 15 सेकेंड। करेक्ट, लोग अब नहीं देखते, उनको स्क्रोल करना है। उनको स्क्रोल नहीं करते थे इंस्टाग्राम का, वो कम हो गया इसलिए उन्होंने हाईलाइट स्टार्ट कर दिया। तो अब ऐसे ही करो, वो थक गए तो रील्स हो गए, सिर्फ एक ही विंडो ओपन करो, स्क्रोल करते हैं। सो वीडियो इज द प्रेजेंट, किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट को अगर पॉलिटिक्स में अभी कुछ भी करना है तो वीडियो पे फोकस करना बहुत जरूरी है, उसमें कंटेंट आपके पास होना
बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया इन्वॉल्व है और बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है, एक्टिवली है। अगर सोशल मीडिया इन्वॉल्व है तो फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं। प्ले वेरी, आप देखें ना अभी इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड, हाँ, फिर सारे पॉलिटिशियंस का पॉडकास्ट में जाना, हमारा खुद का आना, तो अभी इन्फ्लुएंसर्स आर लाइक दे आर न्यू सेलिब्रिटीज। मतलब एक जमाना था जब शाहरुख खान कोई ऐड करते थे तो हम उसे प्रोडक्ट को परचेस करते थे, अब हम रील पे देखते हैं और प्रोडक्ट परचेस करते हैं, रील पे देख के हम फार्म हाउस बुक करते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं। सो वो तो इन्फ्लुएंसर ही है ना एक, कहाँ करेक्ट जो पोस्ट कर रहा है। सो दिस इज द लाइक, ये क्यों हो रहा है अभी, क्योंकि हमारा जो टाइम है, वॉच टाइम जो स्क्रीन टाइम हम बोलते हैं, वो वीडियो देखने का ज्यादा है, इंस्टाग्राम रील या व्हाट्सएप रील, फेसबुक रील हो जाए। इट्स अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स ओनली और द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एज वेल, इवन दे आर ऑन रील्स नाउ। अब देखिए कितने इन्फ्लुएंसर्स के साथ वो कोलैब करते हैं रील, बट पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल उनको। हम फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं पर लोगों को मोबिलाइज करना है, बुलाना है, तो हम सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं वहां पर। अच्छा, कैंपेन्स में, तो जब सेलिब्रिटीज कैंपेन में आते हैं तो लोग उन्हें देखने आते हैं, जब उन्हें देखने आते हैं तो हमारी बात सुनते हैं और उनके मुंह से कैंडिडेट का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर 2014 सलमान खान काइट फेस्टिवल में गए थे गुजरात, हम सबको वो याद है अभी भी, मोदी जी के साथ वो अभी भी याद है। That was a statement. The motto was Salman Khan, मोदी जी से मिलने में। सलमान खान तो क्राउड जो है, ऑडियंस कैंडिडेट को नहीं मिलती है, पॉलिटिशियन को, वैसा है। ऐसे ही वो स्प्रेड होते हैं, वो पेड होते हैं। मैक्सिमम इवेंट्स आर पेड, फ्री में कोई सेलिब्रिटी फ्री में क्यों जाएगा? कितना कॉस्ट जा सकता है, डिपेंड ऑन द सेलिब्रिटी। अगर नॉर्मल सेलिब्रिटी है तो 1-2 लाख लेते हैं वो लोग आने का, स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स आर इन द थाउजेंड्स ओनली, बट 2-3 लाख, 5 लाख, करोड़ में भी जा सकता है। करोड़ में तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते ही है, और ये है, ये दिस इज फैक्ट। दे चार्ज बिकॉज दे आर सेलिब्रिटी, दे नो देयर फेस वैल्यू। उनके साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपसे बात करते हैं कि देखिए हमारे इतने फॉलोवर्स है, हमारे इतने व्यूअर्स है, इंस्टा पे हम पोस्ट करेंगे इतने चार्जेस लेंगे, ये प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करेंगे इतने चार्जेस लेंगे, हर चीज के चार्जेस, लाइक स्टोरी के अलग है। हाँ, ऑफ कोर्स। लाइक अभी एक ट्रेंड चल रहा है पॉलिटिशियंस में कि टीवी सीरियल्स के सेलिब्रिटीज हो या कोई और यूट्यूब के सेलिब्रिटीज हो, वो आपको बर्थडे विश करे वीडियो से। हाँ हाँ, और फिर वो अपने हाईलाइट पे डालते हैं, स्टोरी पे तो डालते हैं, इंस्टा पे, और फिर आप शेयर करते हो उसे। ये भी पेड ही होता है जनरली। टाइम स्क्वायर पे भी बहुत बर्थडे चल रहे हैं पॉलिटिशियंस के, इंडियन लोगों के। हम फिर यहाँ पे बात हो रही है टाइम स्क्वायर पे चला था सर, बट दैट वाज अ पेड, ऑफ कोर्स टाइम स्क्वायर हो गया या फिर कहीं और भी। टाइम स्क्वायर पे एक छोटा सा एलईडी भी लगा है तो फ्री नहीं है, टाइम स्क्वायर इट इज अ बिजनेस। हां, सो वैसे ही सेलिब्रिटी छोटा हो या बड़ा हो, either he get or she get paid in money or something different deal, ye strategy of marketing strategy whatever it is, chahe wo celebrities hire karna ho ya unko invite karna ho ya phir social media pe influencers ho, correct, iske alawa bhi news channel and televisions pe jo news aati hai, ha फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज आ रही है, हाँ, कि भाई यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में कुछ हुआ है, या जो डिबेट्स चलती है, सो दीज आर ऑल द स्ट्रेटेजिकली हैपनिंग ऑन न्यूज़। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। अभी जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शिवाजी पार्क में एंड हुई, फिर उनकी सभा हुई, इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से अपोजिशन की सबसे बड़ी रैली थी। ओके, सो दैट वाज इवेंट इक्विवेलेंट टू रूलिंग पार्टीज इवेंट। ओके, मतलब मान लीजिए एनडीए अगर कोई इवेंट कर रही है, बीजेपी जनरल, तो उसे मीडिया कवर करे और इसे भी करे, करना चाहिए।
ऐसे होना चाहिए। सो वो इवेंट को मैं खुद एनालिसिस के लिए देख रहा था कि क्या हो रहा है, जैसे एज ए स्ट्रेटेजिक जस्ट हम क्या देखते हैं, हम इवेंट नहीं देखते, वो क्या बोल रहे हैं वो तो देखते ही है, करेक्ट, लेकिन उनके आसपास कौन है, क्या चल रहा है मार्केटिंग, क्या स्टेज पे क्या चल रहा है इवेंट के पहले और इवेंट के बाद, कौन कहाँ है, कौन किससे कितनी बात कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है, इससे हमें पता चल जाए कि पॉलिटिकल माहौल क्या है वहाँ का। तो उस दिन मैंने हिंदी न्यूज़ चैनल सारे स्टार्ट किए, स्विच ऑन किए और मराठी देखे, मराठी न्यूज़ चैनल्स पे पूरा इवेंट कवर था, कवरेज आ रहा था, पूरा कवरेज था, एक भी नेशनल मीडिया ने, हिंदी मीडिया लार्जली ने उस इवेंट को कवर किया। उसके बाद एक प्रोग्राम चलाया जो राहुल गांधी ने शक्ति की बात की थी, अब वो पॉलिटिकल पर्पस से थी बातें, ठीक है। सो नेशनल मीडिया का इग्नोर करना एज अ न्यूट्रल पर्सन अगर मैं देख रहा हूँ तो गलत है, बट ये भी हो सकता है कि अपोजिशन कर रहा है ना, ये भी हो सकता है ना कि वी हैव टू रीच आउट टू देम कि भाई यू शुड कवर दे एंड विल पे यू, दे गो, वो गए थे वहां पर, अच्छा, मीडिया तो मीडिया हाउसेस सारे होते हैं, मीडिया वाज देयर बट दे हैवंट ब्रॉडकास्टेड, हां कवर्ड द एडिटर्स, बट देन जो एडिटर्स होते हैं मीडिया चैनल्स के, जो ओनर्स होते हैं वो कवर नहीं करते, मतलब वो उसे एयर नहीं होने देते, एयर नहीं होने देते, कवरेज उन्होंने किया है बट ब्रॉडकास्ट नहीं किया उस चीज का। जैसे अब एक YouTube पे चैनल है पिंग ह्यूमन, हाँ, वो जो बंदा है वो न्यूज डिबेट्स जितनी हो रही है उनके सब्जेक्ट्स को सिर्फ लिस्ट करता है, अच्छा, कि आज ये चैनल पे ये डिबेट हुई, मैक्सिमम डिबेट्स आर बेस्ड ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलीजन एंड वाइस वर्सा, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू तो कोई डिस्कस ही नहीं हो रहा है, वी आर एन अंडर डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं पर हो गए। आप और अगर मैं और ये व्यूवर्स जो भी है, आप भी अगर वो घर से उतर के कहीं चल के जाएंगे तो गड्ढे तो दिखेंगे उनको, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखेगी उनको, तो वो तो मीडिया में आना चाहिए ना, ये सब चीजें क्यों नहीं आ रही है, करेक्ट। सो मतलब ये इट इज वेरी बिग रोल, मीडिया इज अ बिग रोल टू प्ले इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मैं क्या कहता हूँ कि जो आप न्यूज देख रहे हैं, इट्स नॉट न्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल, They are marketing campaigns, वो दिखाया जा रहा है आपको एक रीजन के लिए। सो अभी हमारे लिए इट्स वेरी हार्ड टू गेट राइट न्यूज, हमें बहुत ऑथेंटिक न्यूज देखने के लिए यू हैव टू एंश्योर दैट इट इज ऑथेंटिक। डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स जितने हैं, यूट्यूब पे है और जो भी वेबसाइट्स है, इंडिपेंडेंट न्यूज जर्नलिज्म है, उस पर हम रिलाय है, प्राइवेट कंपनीज भी जो न्यूज प्रोवाइड करती है, हाँ, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं लोग, उस पे हम ज्यादा रिलाय है आज के डेट में फॉर द इंफॉर्मेशन। मेरे पास फैक्ट होने चाहिए, तभी तो मैं कुछ स्टडी कर पाऊंगा ना। फॉर दिस इलेक्शन, कमिंग इलेक्शन, समथिंग आर ट्रेंडिंग्स विच आई हैव रीड कि वो मार्केटिंग कैंपेन्स नॉट से दे आर ट्रेंड्स, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट। I want to ask you a couple of questions on that. Most important जो है electoral bond, वो क्या चीज़ है? It's a chain of scam. It's not just a one scam. It's a chain of scam. Okay. In very simple word, what is electoral bond? अगर आपको अपने bank account में 50,000 से ज़्यादा deposit करने हैं, pan card चाहिए आपको। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड 100 करोड़ भी अगर दे रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। व्हाट डज दिस मीन? इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है उसे उन्होंने प्रॉपर सिक्योर किया है। एंड इलेक्टोरल बॉन्ड इज एज अ क्रिटिकल थिंकर, इट्स नॉट गुड फॉर द नेशन। कल को कोई 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपया किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। सो इट्स अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेनी एक्ट, लाइक हमारे पास जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट है, उसको वायलेट करता है। इट कैन इम्पैक्ट ऑन दिस इलेक्शन? इट इज इम्पैक्टिंग ना, इट इज इम्पैक्टिंग। लाइक सी, मैं इसे कैसे चेन ऑफ स्कैम बोल रहा हूँ,
कि सो एंड सो कंपनी डोनेट कर रही है, पहले उस पर ईडी की इंक्वायरी है और वो डोनेट करती है, या वन कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, सो एंड सो कंपनी डोनेट करती है, उसे टेंडर मिल जाता है गवर्नमेंट का, इसको मैं क्या समझूं? ये तो सुप्रीम कोर्ट का थैंकफुल होना चाहिए हम लोगों को कि ये उन्होंने वर्डिक्ट दिया और सारा डेटा पब्लिक डोमेन में लाना पड़ा। और एसबीआई ने कितना मतलब ये किया है, आप देखिए, सर ये नहीं है हमारे पास, सर वो नहीं है हमारे पास। एसबीआई, आप एक एक्सेल शीट लाने में आपको 2 हफ्ते लग रहे हैं। Understand. Another trending thing is going. और इसे तो हमारे जो चीफ जस्टिस है उनके बेटे ने अभी बॉम्बे सोसाइटी में लेक्चर दिया था इस पे। बहुत अच्छा, he is practicing lawyer, very awakened citizen and responsible citizen. उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, वो सबको सुनना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे ने किया है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ब्रूट पे भी उनका है, वो वायरल हुआ है, इट्स वेरी नाइस। सो वैसा है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसे। ऑफ कोर्स वी विल सी दैट। अनदर ट्रेंडिंग थिंग इज गोइंग ऑन अबाउट द सीए। व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज एंड व्हाट हैपेंड टू पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फॉर द रूलिंग पार्टी राइट नाउ। व्हाट इज सीए? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये रीजन से मैं इंडिया में आ रहा हूँ और ये रीजन से मैं इंडिया में आ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे सिटीजनशिप दोनों केस में ऑन टाइम मिल जानी चाहिए। हाँ, कहीं से भी आ रहा हूँ, मैं इंडिया में आ रहा हूँ ना, अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो आपको 10 साल और यहाँ से आ रहे तो 5 years। What does this mean? ये जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ज्यूस को, ज्यूस जो है वो इसमें परसिक्यूटेड कवर नहीं है। अच्छा, इफ ज्यूज फ्रॉम ईरान और इसराइल ट्रैवलिंग टू इंडिया, उसे 10 साल लगेंगे सिटीजनशिप के लिए। मगर अगर वो पाकिस्तान से परसिक्यूटेड होकर आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, तो 5 साल। ओके, एंड सिटीजनशिप बेस्ड ऑन रिलीजन इज डिस्क्रिमिनेटिंग इन नेचर। वी आर नॉट ए रिलीजियस कंट्री, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। बट इट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग ऑन द coming election. Yeah, yeah, it will impact like people positive and both, negative both for ruling party and the ruling party ke liye to unki strategy hogi ki positively ho. Ab to voting ballot khulega tab pata chalega ki wo negative hoga ki positive hoga, but largely logo ko aisa ehsas karaya ja raha hai ki jo majority religion ki community hai India mein, Hindus, wo persecuted hai neighboring country mein. That doesn't mean कि हम यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ मिसबिहेव करना शुरू करें। The core principle of a religion is वासुदेव कुटुंबकम। उसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया मेरा परिवार है, तो वो प्रिंसिपल तो हम भूल रहे हैं। Understand. And as a strategist and as an analyst, it's always we say that don't trust politician who has religion in his hand. Especially yours. So, what is government first of all? Religion to subject hi nahi hona chahiye. Understand. Politics mein. What is government? Very simple. आप मान लीजिए कोई एक सो एंड सो कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, आज उसकी सर्विस आपको नहीं मिली, आप क्या करेंगे? Obviously, we'll complain. It will complain. You will complain. Okay. अगर मैं वो कंपनी के डायरेक्टर को बोल रहा हूँ यार वो तो वैसा है, उसने ठीक नहीं किया, तो आपको बुरा लगेगा? मतलब मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं भी उसका सब्सक्राइबर हूँ, मैंने बोला यार सर्विस ठीक नहीं है, तो आप मुझसे लड़ झगड़ेंगे? नहीं, नहीं ना, we'll try, आप उससे इमोशनली कनेक्ट रहे, कनेक्ट है, नहीं ना, नहीं। तो वही तो गवर्नमेंट है, हमसे पैसे लेते हैं टैक्स के रूप में, ठीक है, और हमें बदले में सर्विस देती है, गवर्न करती है कंट्री को हमारे लिए। तो आज अगर कोई बेगर, भिखारी, पुअर पर्सन माचिस की तीली भी खरीद रहा है तो टैक्स भर रहा है, तो उसका उतना ही हिस्सा है इस गवर्नमेंट में जितना एक बिलियनर का है। अंडरस्टैंड। सो
सो गवर्नमेंट यू हैव टू स्टिक टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ इट. पॉलिटिकल कैंपेन्स अगर रन करना है तो कौन कौन सी चीजों पे फोकस? वी शुड नॉट फोकस हाँ कि भाई ये चीज के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए. हाँ अभी मान लीजिए मैं एक कैंपेनर हूँ, किसी के लिए कैंपेन कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले फील्ड में जो हूँ वो डोमेन को सेंटर में रखना है, ना कि मैं जो लेके आ रहा हूँ चीजें उसे सेंटर में रखना है. अगर मैं आईटी से हूँ या मैं मीडिया से हूँ या मैं सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी चीजें मुझे फोकस में नहीं रखनी, मुझे वो डोमेन को फोकस में रखना है. तो डोमेन को फोकस रख के अपनी स्किल्स को मोल्ड करिए. करेक्ट. और मतलब पर्सनल थॉट्स शुड बी असाइड, इट शुड बी फॉर अ. मैं आजकल मतलब मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेटजीज और कैंपेनर्स कंप्लेन करते कि पॉलिटिशियंस आर अनऑर्थोडॉक्स, कि यार वो समझते नहीं है, वो कहते कि हम इतने साल से इलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे. स्ट्रेटजीस्ट कैंपेनर्स आर आल्सो ऑर्थोडॉक्स सर, ऐसा नहीं, ऐसे ही होता है. जैसे कि भाई हमारी बात मानो. हाँ हमारी बात मानो, हमें पता है, हमें पता होता हम खुद पॉलिटिशियन होते. दिस शुड नॉट हैपन. वी आर इन हेल्पिंग पर्सन टू देम, लाइक हम उन्हें मैनेज, उनके लिए मैनेजमेंट अच्छा क्रिएट कर सकते. अनदर थिंग इज द थिंग इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज गोइंग मोर एडवांस, स्पेशली AI. उसका कितना रोल अभी है और फ्यूचर में रहेगा पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए, मार्केटिंग के लिए? एक कहावत है कि सच और झूठ के बीच में एक थिन लाइन होती है. AI की वजह से, इसे नेगेटिव वे में अगर हम देखेंगे तो थिन लाइन जो है अब वो मिट जाएगी. फेक क्या है और रियल क्या है इसका हमें जवाब हमारे पास अब नहीं रहेगा. डीप फेक इज वन ऑफ दोस एग्जांपल. लाइक इसका यूज सबसे पहले नेगेटिव ही हुआ ना. हाँ पॉजिटिव यूज तो कोई कर ही नहीं रहा उसका. बट AI इज वेरी लाइक व्हाट से ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी. बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आएगी. बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके पास. अब AI है, आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो नेक्स्ट लेवल तक. स्किल्स कर सकते हो स्किल्स की वजह से, एंड इट कैन हेल्प एज वेल. कैन हेल्प यू लाइक AI अब तो वॉइस भी जनरेट करने लगी है. सो बहुत सी चीजें ऊपर में लगा है. AI इज लाइक राइट नाउ AI इज लाइक आई विल गिव अ वेरी फाइन एग्जांपल. ओके एज अ स्ट्रेटजिस्ट मैं सिर्फ इंडिया के इलेक्शंस से अपडेट नहीं रहता, अभी पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस हुए. ठीक है, उसमें इमरान खान की पार्टी पीपल्स लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी वजह से पावर में नहीं आए. इमरान खान जो है वो जेल में है, उन पर करप्शन के चार्जेस है, तो रैलीज वगैरह वो नहीं कर पाए. तो वहाँ पे उनके कैंडिडेट्स ने क्या किया, उनकी कैंपेन टीम ने स्पीच लिखी, दूसरे बंदे से बुलवाया और AI के थ्रू उसमें इमरान खान की वॉइस इंटीग्रेट कर दी और वो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, रील्स पे चलवाया सब जगह. तो लोगों को लगा कि इमरान खान हमसे बात कर रहे हैं. अच्छा, सो दी AI हैज हेल्प्ड, दे यूज्ड इट वेरी फाइन वे. अब कितना नेगेटिव पॉजिटिव हुआ वो हमको तो पता नहीं, हम वहाँ पे है नहीं, लेकिन हमें ये जो न्यूज है कि हाँ ऐसा यूज उन्होंने किया था. दे गॉट अपॉर्चुनिटी एंड दे इंप्लीमेंटेड दे हैड द टेक्नोलॉजी, एक्सेस था उनके पास, तो उन्होंने उसका एक कैंपेनर जो भी होगा स्ट्रेटेजी, उसको थॉट आया, अच्छा थॉट आया, आइडिया आया ये, और उन्होंने ये किया. तो ऐसा मतलब हम भी कर सकते हैं. लाइक अभी कल को मोदी जी आपका नाम लेके आपको बर्थडे विश करे, लेकिन वो AI का हो. हाँ हो सकता है, हो सकता है ऐसा. ऐसा सो AI ऐसा रोल प्ले कर रहा है अभी तो, बट इन फ्यूचर आई सी इट विल बी मोर एक्सटेंसिव, वो और डीप होगा पॉलिटिक्स में. तो इट विल हेल्प मोर, इट विल हेल्प मोर. अभी तो इंटरव्यू एरिया उसमें नेगेटिव स्टेज पे है, आगे पता चलेगा कैसे होगा.
ओके, इतनी चीजें जो हमने अभी तक डिस्कस की है, तो अब मुझे ये जानना है कि जो हमारा स्पेशल जो हमारे ऑडियंस है, स्पेशली दे आर मार्केटर्स जो अभी पॉलिटिकल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं, वो है जो आना चाहते हैं, या वो है जो सुन रहे हैं बट दे डोंट नो कि ये इंडस्ट्री में कितना इम्पैक्ट है। हाँ, एंड इसके अलावा एजेंसी ओनर्स भी हो सकते हैं जो नॉर्मल मार्केटिंग एजेंसी का मार्केटिंग कर रहे हैं बट दे वांटेड टू इवॉल्व देयर बिजनेस इन द पॉलिटिकल मार्केटिंग, करेक्ट। एंड अनदर इज दैट के आई डोंट नो, अभी तो वी हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, सो कुछ ऐसे भी लोगों के जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं या फिर एक नॉर्मल एक्टिविटी एक्टिविस्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है, उन सब के लिए मेरे जो कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए है। सो लाइक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है कैंपेनर और स्ट्रेटेजिस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कोई डिग्री नहीं है, देयर इज नो डिग्री, बट आपका एकेडमिक्स ऑफ वेरियस फील्ड कैन हेल्प यू। अच्छा, लाइक आपके पास अगर टेक्नोलॉजिकल एकेडमिक है कुछ भी, इंजीनियरिंग है या, तो वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज लार्जली यूज राइट नाउ। ओके, देन इट्स कम अबाउट पॉलिटिक्स। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पॉलिटिकल डोमेन में आना चाहते हो, तो मैंने कहा कि सेंटर में वो डोमेन होना चाहिए, पॉलिटिक्स सेंटर में होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसके अराउंड होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स की समझ, व्हाट इज पॉलिटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ये मास्टर की है, पॉलिटिक्स इज मास्टर की, इट एनेबल्स ऑल द अदर फील्ड्स एंड इट्स ट्रू, इट शेप्स योर माई एवरीवन्स लाइफ। ओके, तो पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिक्स को समझना है तो आपको हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री की समझ होना बहुत ज़रूरी है आपको, हिस्ट्री पॉलिटिक्स, देन पॉलिटिशियंस जो है वो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, वो पार्टी क्या है, ये पार्टी क्यों है, जो लीडर्स है उनको समझना आपको ज़रूरी है, हर लीडर की एक वे ऑफ वर्किंग होती है, तो वो समझना आपको ज़रूरी है, तब जाके आप पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे। लाइक अगर किसी भी लीडर को आपको समझना है तो उसकी स्पीच को मत सुनिए, लेकिन उनका डे टू डे जो डे प्लान है, उनकी एक्टिविटी है, उसे पकड़िए कि वो सुबह कहाँ थे, दोपहर कहाँ थे, शाम को कहाँ थे, तो ऐसे आप एज अ स्ट्रेटेजिस्ट काम कर सकते हो। और डेटा तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है, इलेक्शन स्टैट्स हो या फिर वोटर्स का डेटा हो, उस पर आपको स्टडी करना ही है, ठीक है। जनरली लोग न्यूज़ सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस हो जाते हैं, बट वहाँ से आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि इम्पैक्ट जो करना है ग्राउंड पे करना है, वहाँ से इंफॉर्मेशन ग्राउंड पे पास होना बहुत ज़रूरी है, तो डेटा पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, बेसिक स्किल्स है, एक्सेल आना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट यू शुड नो वॉट इज एक्सेल, एमएस एक्सेल अगर आपको नहीं आता है यू कैन नॉट स्टडी डेटा एट ऑल, करेक्ट, दैट्स द बेसिक, बेसिक्स मूव अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आप करियर नहीं बना पाएंगे इसमें। और इसमें मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में जो भी आपके पास स्किल सेट है, ठीक है, इस स्किल सेट को आपको ऑफर करने से पहले पता होना चाहिए कि वो जरूरी है कि नहीं, इज इट डिमांड, देन ओनली यू कैन सप्लाई, इट्स नॉट डिमांडेड देन वी डू नॉट नीड योर स्किल्स। लाइक हमारी भी बहुत सी सर्विस नहीं परचेज की जाती लोगों की तरफ से, लाइक कैंडिडेट्स नहीं करते परचेज, तो डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो आपको डिमांड है कि नहीं वो समझना बहुत ज़रूरी है, और आप क्या ऑफर कर रहे हो। और इसमें R&D आपका रिसर्च और स्टडी बहुत अच्छा होना चाहिए, वेस्टर्न में ये फील्ड बहुत ही आगे निकल चुकी है, अच्छा ऑलरेडी है वहाँ पे, US पे तो 1960 से ही चल रही है ये फील्ड। ओके, और वहाँ का इलेक्शन स्टडी करना, हर कंट्री का इलेक्शन स्टडी करना, ये आपका एक बेसिक रूटीन होना चाहिए, कंट्री में कहीं पर भी इलेक्शन हो रहे उसको स्टडी करना। और एक कहावत है ना, स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ काम करने के लिए ढूंढते रहो,
कंट्री में कहीं पर कुछ भी हो, यू गो यू वर्क, तो क्या होगा आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको धीरे धीरे डोमेन की समझ आएगी। और अभी जो न्यू एस्पिरेंट्स है पॉलिटिक्स में, जिनको जाना है पॉलिटिक्स में, दे वांट टू मेक करियर इन टू पॉलिटिक्स, ओके, उन्हें दो टाइप की पॉलिटिक्स होती है, एक तो आप पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स करते हैं, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, जो इलेक्शंस होते हैं उसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिक्स में भी ये पार्ट है। और पॉलिटिक्स करनी है आपको तो वो डिफरेंट पार्ट है, वहाँ पे आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते, यू बिकम द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, बट यू डू नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, बट यू आर इररिप्लेसेबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ टुमारो सम आई गेट अ डील फ्रॉम अ सो एंड सो पॉलिटिकल पार्टी की, यदि नाम हमारे साथ फुल टाइम हो जाइए, पार्टी में आ जाइए, मैं कंटेस्ट तो नहीं करने वाला, लेकिन मैं पार्टी के लिए एक एसेट। करेक्ट, तो अकॉर्डिंगली दैट मेरा करियर बनेगा। यू आर जॉइनिंग एज अ स्ट्रेटजिस्ट, बट यू आर पार्ट ऑफ दैट पार्टी, पार्ट ऑफ दैट पार्टी राइट नाउ। ओके, सो आई एम द मेंबर ऑफ द पार्टी। ओके, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर आपको जाना है तो आपके पास रीजन होना चाहिए, वार्ड, असेंबली या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए। अर्ली लोग जनरली यूथ कॉलेज पॉलिटिक्स से ही स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ से आगे जाते हैं वो बेस्ड ऑन देयर एफिलिएशन टू द आइडियोलॉजी, उन्हें जो आइडियोलॉजी या जो पॉलिटिकल पार्टी कन्विंस करते हैं उसमें ज्वाइंट हो जाते हैं। आपको वहाँ जाना है सो इसमें करियर बनाना, अभी टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज पॉलिटिक्स इज बिकम वेरी कॉस्टली। अभी एक नॉर्मल इलेक्शन भी बहुत महंगे हो चुके हैं। प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि इट्स बिकमिंग इनएक्सेसिबल राइट नाउ बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली, सो कॉमन मैन कैन नॉट एंटर इनटू द पॉलिटिक्स। हाँ, बट यू कैन मेक द वे, लाइक कन्हैया कुमार इज डूइंग। देयर आर मेनी एग्जांपल्स राइट नाउ इन पॉलिटिकल डोमेन कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी जीरो से स्टार्ट की, दे हैड नथिंग एंड नाउ टुडे दे आर इन पावर और दे हैव बिकम लीडर, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि समझ कि मुझे, मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ तो पोस्ट होना, लीडर्स के साथ घूमना, ठीक है, फोटोज में दिखना इज नॉट पॉलिटिक्स। ओके, फॉर द फोर इयर्स मेरे एक भी कैंडिडेट के साथ, क्लाइंट्स के साथ मेरे फोटोग्राफ्स नहीं है, मैंने खींचे ही नहीं थे, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे ना। करेक्ट, सो आई वॉज मूविंग अहेड इन माई करियर इन दैट टू इन पॉलिटिक्स। सो इट्स अबाउट वॉट यू ऑफर, और आपका गोल होना बहुत जरूरी है, टाइमलाइन होना बहुत जरूरी है। अगर आप रीजन है किसी वार्ड में या असेंबली में कर रहे हो तो ऑफिस स्पेस ग्रीवियंसिस आपको क्लियर करने, लोगों के सॉल्व करने हैं, आपको सॉल्यूशंस उनको ऑफर, सोशल काइंड ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क में क्या हो जाता है कि अनगाइडेड हो जाता है, जैसे मैं था पहले, इट वॉज अनगाइडेड के साथ। हाँ, एक पॉइंट के बाद मैं एग्जॉस्ट हो गया ना, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मैंने बंद कर दिया वो। अब मैंने स्विच किया है, अब मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, लेकिन उसका अप्रोच चेंज किया, अप्रोच चेंज। सो आपके पास अप्रोच राइट होना चाहिए कि इसमें क्या हो जाता है कि लोग आते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, यू नो, लोगों को फ्री में बांटते हैं, ये सब चीजें इम्पैक्ट नहीं करती है। करेक्ट, ऐसी चीजें करो कि जो लोगों को याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कैंप रखा कि भाई आइए मैं आपका पैन कार्ड बना दूंगा, ठीक है, तो मैं जब आपको पैन कार्ड दूंगा बना के, तो आप उसे याद रखोगे ना, क्या हाँ इन्होंने मेरा पैन कार्ड बना दिया। ऐसे तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी लोगों की सॉल्व करिए। ये लॉन्ग टर्म रिलेशन है, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है। आई हैव वेरी फाइन एग्जांपल्स कि जो ऐसे करके आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, देयर आर मेनी। तो वैसे आपको करियर बनाना है। इसके मार्केटिंग के लिए कोई क्लासेस कोर्सेस अवेलेबल है? मार्केटिंग के लिए देखिए, इसमें दिल्ली में बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, मुंबई में भी शायद होंगे, बट आई फाइंड इट्स दोज आर मोर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स। व्हाट इज नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स? नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स थियोरेटिकल नॉलेज, आप उससे कुछ कर नहीं पाओगे, फील्ड में आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, अपना करियर नहीं बना पाओगे। अगर आपको करियर बनाना ही है तो आपको वेरी सिंपल, इफ यू वॉन्ट टू डायरेक्ट ए मूवी, ओके, वॉट यू विल डू, यू विल सर्च फॉर द स्क्रिप्ट, राइटर्स सर्च करोगे, डायलॉग्स लिखने के लिए लोगों के, म्यूजिक वगैरह देखोगे, फिर आप डायरेक्ट करोगे, एक्टर्स ढूंढोगे, एक्सपायर। सो यू आर द पर्सन बिहाइंड द कैमरा, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द पर्सन हु इज बिहाइंड द कैमरा और डायरेक्टिंग द मूवी।
सो यू हैव टू बी इन दैट रोल ओनली. मुझे कई बार लोग पूछते कि तुम क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल कैंपेनर हूँ, स्ट्रेटेजिस्ट हूँ. तो बोले मतलब क्या? तो मैं उनको ये ऐसे सिंपल उन्हें बता देता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, वो एक्टर है. तो आपके पास स्क्रिप्ट ये सब चीजों का मिलान करना बहुत जरूरी है. इसके लिए आपका स्टडी, स्ट्रेटेजी फॉर देम. हाँ, मैं सुबह उठ के ट्विटर देखता हूँ, पहले इंस्टा रील तो सब देखता है, ट्विटर देखता हूँ, सब चेक करता हूँ. Go to the independent news journalism. Then I go to, मैं फिर सारी जो institutes होते हैं वो stats updates करते हैं, उनको check करते हैं. फिर मैं technology के लिए भी videos देखता हूँ कि जब SEO में क्या चल रहा है, digital marketing में क्या चल रहा है, reels में कौन से trending audios चल रहे हैं. तो ये सब चीजों का combination आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. हाँ, एक academic knowledge ले लो political science में. कोई बुक्स अगर सजेस्ट करो इसके लिए, इसके रिलेटेड अगर कोई बुक्स करना चाहो तो देर आर मैनी बुक्स लाइक इनसाइड वॉर रूम. यूएस में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उन पे बुक्स लिखी गई है. दोज बुक्स आर वेरी कॉस्टली, यू कैन रीड दोज बुक्स. रीड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ लीडर्स, मैनी लीडर्स, इंडियन लीडर्स. रीड हिस्ट्री, रामचंद्र गुहा की है, मतलब इंडिया आफ्टर गांधी, बिफोर गांधी, ये सारी बुक्स पढ़िए आप. बुक्स जितना पढ़ेंगे, लीडर्स को पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल हमको भी लग रहा है कि 10 साल से ये फील्ड है, ठीक है. 1932 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरे इंडिया से, तब तो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, आरटीआई का एक्ट भी नहीं था, उन्होंने लेटर लिख लिख के पोस्ट कर करके हर स्टेट से डेटा मंगवाया. तब भी इलेक्शंस होते थे, ब्रिटिश इंडिया में भी इलेक्शंस होते थे. डेटा मंगवाया कि कांग्रेस को कितने वोट मिले, इंडिपेंडेंट्स को कितने वोट मिले, और जो गोल्ड मैजी परिषद हुई थी उसमें उन्होंने एक आर्गुमेंट किया कि कांग्रेस अलोन डजंट रिप्रेजेंट इंडिया. अच्छा, एंड आई हैव स्टैट्स. सबसे पहले एनालिसिस करने वाले व्यक्ति वही थे इंडिया में, डेटा एनालिसिस. So 1932 में वो, it was not an Excel sheet but it was a data analysis. 1932, can you imagine? It was way ahead of the time. तब सबसे पहला इंडिया के कैंपेनर कौन थे इंडिया में? वो जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को गांव-गांव तक पहुंचाया. Through what? Banners, flags, pamphlets, cadre of जो भी उसकी marketing strategy, communication mode हो सकता था. ये हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे पहले भी रहे हैं. हम पहले मोड चेंज हो गए अभी तो इंस्टाग्राम एंड ऑल है, तो आपको इसको भी उस हिसाब से यूज करना चाहिए. और आगे भी और कहीं ना कहीं चीजें आती जाएगी, नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे. एंड वन ऑफ द यू हैव टू कीप अपडेट विद द न्यू ट्रेंड्स. आपको समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नहीं होता अगर पॉलिटिशियंस में वो मैच्योरिटी नहीं आती, वो बदलते नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करते ये भी अभी अब जरूरत है. सो दे आर वेरी मच what we say open to new ideas and all. हम नहीं होते तो हमें वैसा होना बहुत जरूरी है. Understand your point. So can you tell which movies or documentary specific name if you have, you can mention it. Yeah. सबसे पहले तो मीडिया एंड मार्केटिंग है, तो द ग्रेट हैक करके डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे. ओके, द सोशल डिलेमा है. ये आप दो चीज़ें देखिए, इससे आपको मीडिया कैसे इम्पैक्ट कर रहा है पॉलिटिकल डोमेन को और सोशल डोमेन को, वो आपको पता चलेगा. सेकेंडली पॉलिटिक्स को समझना है आपको, देर आर मैनी डॉक्यूमेंट्रीज. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच डॉक्यूमेंट्री ऑन वर्ल्ड वॉर, वॉच डॉक्यूमेंट्री ऑन इंडिया सोशल इशूज. देर आर मैनी, लाइक रूबरू करके एक डॉक्यूमेंट्री है, वो भी बहुत अच्छी है. देन मूवी, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है अरविंद केजरीवाल जी पे, एन इनसिग्निफिकेंट मैन, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आप देखिए. फिर मूवीज में भी बहुत सी हॉलीवुड्स की मूवी है, द वाइस करके मूवी है. देन देर आर सीरीज ऑल्सो, मैनी हाउस ऑफ कार्ड्स एंड ऑल. ये सब डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज जो है पॉलिटिशियन देखते हैं. अच्छा, वो हमसे कंसल्ट भी करते हैं इस चीज़ों पर. लाइक मंथली देर आर फ्यू पॉलिटिशियंस who calls me and ask for the list of documentaries and movies to watch.
रिलेटेड टू दिस पॉलिटिक्स. द क्यूबा लिब्रा स्टोरी, हर कंट्रीज में जो भी सोशल मूवमेंट्स हुई है उसकी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल है द पब्लिक प्लेटफॉर्म. ये सब आपको देखनी जरूरी है. लाइक करंटली राइट नाउ आई एम वॉचिंग द टर्निंग पॉइंट विच इज बेस्ड ऑन कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर वॉज बिटवीन USA एंड रशिया. दैट टाइम USSR. तो तब क्या हुआ था, उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैसे टेस्ट किए, क्यों किए, क्यों जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक किया था US ने, व्हाट वाज द रीज़न, और उसका इम्पैक्ट क्या था, वो स्टेटमेंट क्या देना चाहते थे, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या थे तब के, ये सब चीज़ें आपको थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो बहुत ज़रूरी है. सो अनदर थिंग इज नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन. व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ इट इम्पैक्ट टू द कमिंग इलेक्शंस. ओके, अभी कमिंग इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड, 7 फेज में हो रहे हैं. ठीक है, एक इलेक्शन है ये सिर्फ जनरल इलेक्शंस. ठीक है, ये 7 फेज में हो रहे हैं. मोर देन 60 डेज आई गेस, मोर देन दैट. ओके, वन नेशन वन इलेक्शन मतलब जनरल इलेक्शन प्लस एवरी स्टेट इलेक्शन. ओके, एंड लोकल बॉडी इलेक्शन मतलब आपको MP, MLA, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, लोकल कॉर्पोरेट, तीनों को एक साथ इलेक्ट करना है. तो आप जहां जो बूथ पे वोट देने जाएंगे वहां पे 3 मशीन होगी. अच्छा, ठीक है. ओके, एक इलेक्शन हम 7 फेज में कर रहे हैं, एक ही इलेक्शन हमसे ढंग से नहीं कर पा रहे हम. तो हम ये सारे इलेक्शन कैसे करेंगे, और उसके लिए उन्होंने 100 डेज का ये कहा है कि इन 100 डे वी कैन कवर द वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया, लाइक इफ वी इम्प्लीमेंट दिस. ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एज फार एज आई नो, वी डू नॉट हैव द मैन पावर एंड वी डू नॉट हैव द मशीन्स इतना इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए. इफ इन एनी केस वी डू इट, इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, चेक एंड बैलेंस कैसे चलेगा, लाइक कैसे हम इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर हो रहा है. सो इट्स अ थॉट ऑफ रूलिंग पार्टी, बट प्रैक्टिकली आई फील इट्स इम्पॉसिबल. एंड एज अ न्यूट्रलिटी बींग अ क्रिटिकल थिंकर आई से इट्स वायलेट द कोर प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्वैश फेडरल. We are a federal government and state must have rights. Understood. So it's not good for the nation. हाँ, इसमें reforms होने बहुत जरूरी है election processes में. Like कि जो machineries हर year use हो रही है, correct, उसमें आप कुछ cut down करिए. और हाँ, उसका expense भी जो अभी है elections उससे ज़्यादा होने वाला है. Nearly 10,000 crore they have projected, but उससे ज़्यादा ही होगा. Okay, good. So, I think I have covered all the questions, but I wanted to ask you a couple of more things. Okay. How do you manage your personal and your professional life in that? It's all about your journey. It took me 4 years to realize ki jo meri professional life hai, meri personal life nahi hai. Because I was following my passion. You had the same. I was following my passion. Understand. Then I just got married in this February. Oh, so congratulations. Thank you. So now I have realized, it's been 2 years, I have realized that personal life, that's family, friends, and you, the professional life. Both are different. You have to keep balance between them. Like I travel. Mm-hmm. 2 months, 3 months ke liye travel kar raha hu, so I can't be here. Of course. Okay. Now I have to balance between them. Like I have to visit my family on regular intervals. If I'm traveling, I have to keep Sundays or any days for them. Like मैं हमेशा मजाक में दोस्तों को कहता हूँ कि मेरी लाइफ में दो ही दिन है, संडे और मंडे. तो बोले मतलब, बोला या तो हर दिन संडे है या तो हर दिन मंडे है. करेक्ट. सो
now I am maintaining the balance properly. Yeah, and we are. What's your goal and vision? Like, आगे क्या करना है? Like when I was very much new into this field, I wanted to go to Delhi. Delhi is the point center of politics. Still, I want to go to Delhi, and I have conviction that I'll go. मैंने तब देखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड से यूरोपियन कंट्री यूएस से एजेंसीज आती है लोग आते हैं यहाँ पे कैंपेन करते हैं फॉर अस हमारी पार्टीज वहाँ से बुलाते हैं 2009 हायर्ड देम कांग्रेस के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका ने थोड़ा सा काम किया था ओके दैट्स इन ब्रिटिश कंपनी इट्स वो बंद हो चुकी है बिकॉज दे वायलेटेड मेनी डेटा रिलेटेड लॉ इन यूनाइटेड किंगडम सो वैसी कंपनी सब आती है यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ जाएं अच्छा वी हैव टैलेंट ऑफ कोर्स वी हैव स्किल्स गूगल सब जगह पे हम हैं माइक्रोसॉफ्ट में सो हम वहाँ पे भी इलेक्शंस में काम कर सकते हैं माय गोल इज टू गो देयर ट्रैवल टू अदर कंट्रीज एंड कैंपेन देयर यू वांटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया लाइक दैट या श्योर मतलब लोग मतलब हमें अच्छा ही लगेगा ना कि हमारा लड़के वहां पे जाके कैंपेन कर रहे हैं तो हम जाए मतलब हमारे साथ जो भी है वो सब जाए हम ना जा पाए तो हम मोटिवेट करें लोगों को भेजे वी मस्ट गो टू इंटरनेशनल्स नाउ वी हैव दैट टैलेंट आई डोंट डाउट ऑन दैट डोंट हैव एनी डाउट मेरा विश्वास है कि मैं जाऊंगा ट्राई करेंगे लेकिन हम जाएंगे फॉर श्योर लास्ट क्वेश्चन इज दैट What will be your advice जो political marketing या political strategist बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या advice है आपकी First of all have patience ये field में लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत पैसा है सारे marketing वाले लोग आते हैं सोचते हैं इतना पैसा मिलेगा कल ही करोड़पति हो जाएंगे ऐसा नहीं है It's a game of patience पॉलिटिक्स में वही जीतता है जिसके पास पेशेंस हो ओके सो यू हैव टू बी स्लो एंड स्टेडी अब ऐसा काम करिए कि जो क्वालिटी हो क्वांटिटी ना हो एंड डोंट लिमिट योर सेल्फ टू द सर्टन सर्विसेज लाइक बल्क मैसेज एंड दैट मीडिया मैनेजमेंट ग्राफिक डिजाइन एंड ऑल जो बेसिक चीजें लगती है टेलीकॉलिंग एंड ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डोमेन बिकम ए वन ऑफ देम लाइक व्हेनेवर आई मीट माय क्लाइंट्स वी कम्युनिकेट रफली फॉर एन आवर रेगुलरली व्हाट वी डू वी कम्युनिकेट वी डिस्कस पॉलिटिक्स वो मुझसे सवाल पूछते हैं मैं उनको जवाब देता हूँ लाइक अभी स्टेट इलेक्शन में क्या हुआ तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों NDA ने यहाँ पे दो पार्टी स्प्लिट क्यों हुई व्हाट इज द रीजन बिहार में नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ क्यों हुए NDA में व्हाट इज द रीजन ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं ये समझना कि ये क्या हो रहा है अगर आपके पास ये है तो पॉलिटिशियन विल बी अट्रैक्टेड टू यू सो इन लार्जली रीड रीड एंड जस्ट रीड ओके it was nice session with you same here I'm really happy to have you here and you have speak about lots of things kuch cheeze to aisi thi jo mujhe bhi nahi pata thi honestly related to marketing strategies kaise banti hai politically I have learned it and kuch cheeze aisi thi jo politically mujhe nahi pata thi like EVM machines ke bare mein as you have explained to teen machine hogi so वो अच्छा लर्निंग था मेरे लिए ऐसा होता है कि काफ़ी सारी टाइम हम नहीं सोचते सुन लेते हैं जैसे एज यू हैव मेंशन ना रील्स पे देख लिया ये वो बट वी हैव नॉट डाइव डीप इनटू दैट क्या है एग्जैक्टली ये सो इट वाज अ नाइस सेशन विथ यू एंड आई एम रियली हैप्पी टू इट्स वेरी सिंपल ना कि आप एक मोबाइल परचेज करने जाओगे तो पहले तो 100 वीडियो देखोगे यूट्यूब पे रिव्यूज चेक करेंगे 10 लोगों से बात करोगे फिर वहाँ पे जाके भी 100 सवाल करोगे सेल्समैन से और फिर परचेस करो ऐसा ही आपको पॉलिटिक्स के साथ करना है क्वेश्चन पूछना है चेक करना है एनालिसिस करना है और आपको डिसाइड करना है उस हिसाब से किसी ने बोला मैंने सुना ऐसा अगर हम रह गए
इफ यू वांट टू बी स्ट्रेटजिस्ट यू हैव टू बी डीप डाइव इनटू दैट. हां यू हैव समझना जरूरी है. हां आई होप आपके व्यूअर्स को ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल. I'm hoping it actually it is very helpful. Thank you. I'm really happy to see this and hear all about the political marketing strategy campaigns and all. Mm-hmm. Thank you so much for coming here. Thank you. You're welcome.